चुनाव है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी जो नफरत फैलाती है, लोगों को बांटती है, और सबसे अमीर 15-20 लोगों का काम करती है, और दूसरी तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो जोड़ने का काम करती है, लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, आदिवासियों के लिए काम करती है। निर्णय आपने लेना है किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी जमीन छीनकर सबसे अमीर लोगों को पटा दे, या फिर ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों की, आदिवासियों की जमीन की रक्षा करे। हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, लोकसभा में लाए, पूरे देश में उसको लागू किया, ऐतिहासिक बिल था। साफ लिखा था उसमें किसी की जमीन उससे बिना पूछे नहीं छीनी जा सकेगी। साफ लिखा था अगर किसान अपनी जमीन देना चाहे, किसी कोई भी लेना चाहे, सरकार उद्योगपति अगर जमीन ली जा रही है तो गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। उसमें यह भी लिखा था कि अगर सरकार ने या उद्योगपति ने किसान की जमीन पर 5 साल के अंदर उद्योग नहीं लगाया तो फिर वो जमीन वापस किसान, आदिवासी, दलित के हवाले कर दी जाएगी। ऐतिहासिक निर्णय था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है। हमने आपकी जमीन की रक्षा की, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध नरेंद्र मोदी ने किया, इसका विरोध बीजेपी के लोगों ने किया, और जैसे ही प्रधानमंत्री बने लोकसभा में उन्होंने इस बिल को रद्द करने की कोशिश की। अपने चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए इसको आप रद्द कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, चुनाव के सपने समय मैंने वायदा किया, किसानों से, आदिवासियों से, गरीब लोगों से 2-3 चीजें मैंने कही। देखिए पहली बात मैंने कही, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैंने कहा कि जमीन अधिकरण बिल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लागू होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम जमीन की रक्षा करेंगे। यह आपका धन है, यह अदानी अंबानी का धन नहीं है, यह आपका है और हम आपके धन की रक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने पहले एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, शायद देश में पहली बार टाटा कंपनी ने किसानों से जमीन ली थी, उन्होंने वहां उद्योग लगाना था, 5 साल हो गए उद्योग नहीं लगा, हमने जमीन अधिकरण बिल लागू किया और टाटा कंपनी से जमीन लेकर वापस किसानों, आदिवासियों को हमने जमीन दी थी।
छत्तीसगढ़ में क्या रेट मिलता है? जोर से बोलिए जरा, 2500। छत्तीसगढ़ में 2500, झारखंड में 1300। जैसे ही यहां पे चुनाव खत्म होगा, गठबंधन की सरकार आएगी, यहां पे किसानों का कर्जा माफ होगा, 2500 रुपए धान के मिलेंगे और आपकी जमीन की रक्षा होगी, कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, मैंने उनसे कहा देखिए ये आप 2500 रुपए दे रहे हो धान के लिए, 2500 रुपए दे रहे हो, आपने कर्जा माफ कर दिया, इससे करके अर्थव्यवस्था को नुकसान तो नहीं हुआ? मुझे कहते राहुल जी नहीं, नुकसान नहीं हुआ, उल्टा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने कहा जैसे ही हमने किसानों को सही दाम दिया, जैसे हमने उनके जेब में पैसा डाला, कर्जा माफ किया, किसानों ने माल खरीदना शुरू किया, पैसा आ गया, शर्ट पैंट मोबाइल फोन, जैसे ही किसानों ने माल खरीदना शुरू किया, छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियां चालू हो गई, माल बनाना था, फैक्ट्रियों ने माल बनाना शुरू किया, किसानों ने माल खरीदा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो गई। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा पैसा उनके मित्र अदानी अनिल अंबानी को देते हैं, 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया, 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ, कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया, सेलफोन कंपनियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ किया, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, छोटे दुकानदारों की मदद नहीं होगी, आपके जेब में पैसा नहीं, जब आपके जेब में पैसा नहीं आप माल नहीं खरीदोगे, आप माल नहीं खरीदोगे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सीधी सी बात, मुश्किल बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जेब में से पैसा निकाल दिया, नोटबंदी की याद है आपको, नोटबंदी याद है ना, भूल गए, याद है ना, काले धन के खिलाफ लड़ाई, भाई और बहनों काले धन के खिलाफ लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई है, कम हो गया, काला धन गायब हो गया। अच्छा बताओ गब्बर सिंह टैक्स से किसको फायदा हुआ, यहां पे कोई है? गब्बर सिंह टैक्स ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस उड़ा दिए, खत्म कर दिए, भैया 200 हो गया, और भैया प्याज की बात होती है पार्लियामेंट में, प्याज की बात होती है, और ये जो सीतारमन जी है ये कहती है, डिबेट में कहती है, मैं तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। अरे तुम क्या खाती हो, तुमसे किसने पूछा, तुम्हें जो खाना है खाओ, मगर तुम देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो, देश को यह समझाओ कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में क्यों, देश को समझाओ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, देश को समझाओ हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ना मैं नहीं समझाऊंगी, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मुझे क्या समझाना है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते कहते मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहां पे स्टेज में खड़े होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ,
सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है पूरा झारखंड जानता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको वोट दो। और नुकसान किसको होता है? आपको नुकसान होता है। झारखंड गरीब नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए, ये प्रदेश गरीब नहीं है। इस प्रदेश के पास जल, जंगल, जमीन सब कुछ है। झारखंड की जनता गरीब है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा दिन भर ये लोग आपसे छीनते हैं, आपकी जमीन छीनते हैं, आपका जल, आपका जंगल छीनते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। बीजेपी की सरकार थी वहां सालों के लिए थी, दिन भर पिछड़ों की बात करते थे, मगर 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन हम करा देंगे आपके लिए। आप बस छत्तीसगढ़ की ओर देखिए, जो काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, रोजगार के लिए, वही काम हम यहां पे रिपीट करने जा रहे हैं। अमीरों को जितना भी पैसा नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं दे सकते हैं, मगर 15-20 बिजनेस वाले अरबपति इस देश को नहीं चलाते हैं। इस देश को किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले चलाते हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने अपने आप से कभी पूछा कि नरेंद्र मोदी जी दिन भर टीवी पे आते हैं, हर चैनल पे आते हैं, क्या ये फ्री में आते हैं क्या है? ये मुफ्त में आते हैं क्या? ये कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 उद्योगपतियों का काम करते हैं। अभी देखना, हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर की तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप देखना ये कंपनियां उन्हीं 2-3 अरबपतियों को जाएंगी। लाखों करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ रुपए में दी जा रही है। हर शहर में पेट्रोल पंप है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी दूसरे नंबर पर। 50,000 करोड़ रुपए फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। किसका पैसा है? आपका पैसा है। पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर जो था, एचएल, बीएचएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये जो हिंदुस्तान की पूंजी, ये सब नरेंद्र मोदी जी उन्हीं 2-3-4 उद्योगपतियों को दे रहे हैं। और उनकी मार्केटिंग, वो 2-3 उद्योगपति हर रोज टीवी पे कर रहे हैं। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अब नहीं कहते। पैंतालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। किसी भी प्रदेश में चले जाओ, पूछो भैया, किसी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, कुछ नहीं करते। नोटबंदी, जीएसटी ने
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। कहते नया हिंदुस्तान बनाएंगे, बना दिया नया हिंदुस्तान। हर रोज हर प्रदेश में कहीं ना कहीं माले महिला का बलात्कार होता है, रेप होता है। दिन भर देखो, अखबार खोलो, उत्तर प्रदेश में गोली मार दी महिला को, उन्नाव में जला दिया, इधर रेप कर दिया, उधर रेप कर दिया। नरेंद्र मोदी के एमएलए ने, उत्तर प्रदेश के एमएलए ने बलात्कार किया नरेंद्र मोदी एक शक्ति के थे। उसका एक्सीडेंट हो गया, लड़की का एक्सीडेंट हो गया, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने एक शक्ति कहा। और फिर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हां, बीजेपी के एमएलए से बचाओ, और जहां भी जाएंगे नफरत फैलाएंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, देश को बांटेंगे और कहेंगे मैं देशभक्त। ये देश बंटने से आगे नहीं जाएगा। किसानों के बिना, मजदूरों के बिना, छोटे दुकानदारों के बिना, युवाओं के बिना ये देश नहीं चल सकता। इस देश को अदानी अंबानी नहीं चला सकते हैं। आप उनको जितना भी पैसा देना दे दो, बेरोजगारी नहीं कम होगी। और जैसे ही आपने किसानों के जेब में पैसा डालना शुरू किया, धान का सही रेट देना शुरू किया, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जादू से खड़ी हो जाएगी। ये इस देश की सच्चाई है। आपको निर्णय लेना है। आप बेरोजगारी चाहते हो, रोजगार चाहते हो, रोजगार चाहते हो? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी आज भरी नहीं गई है, वो सब की सब हम आपके हवाले कर देंगे। मगर देखिए, सरकार का काम गरीबों की रक्षा करना होता है। किसान दबा हुआ है, कटा हुआ है, उसको भविष्य नहीं दिख रहा। सरकार का काम उसके साथ खड़े होने का होता है। सरकार का काम आदिवासियों की, किसानों की जमीन रक्षा करने का काम होता है, छीनने का नहीं होता है। तो चुनाव में आप गठबंधन को समर्थन दीजिए। गरीबों की यहां रक्षा होगी, आपकी जमीन की रक्षा होगी, और तेजी से यह प्रदेश आगे जाएगा। और जो आपका धन है, झारखंड के गरीब लोगों का धन है, वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उद्योगपतियों को नहीं दिया जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।